एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक आपकी इंग्लिश बुक से, लिटरेरी जर्नीज एंड इंग्लिश रीडर प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है यूज ऑफ एंड, कि हम एंड वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं। एंड हम यूज़ करते हैं दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। सो वेन एवर वी हैव टू ज्वाइन टू वर्ड्स, जब भी हमें दो वर्ड्स को एक साथ लिखना होता है, ज्वाइन करना होता है, तो उसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, उसके बीच में हम एंड लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अ टेबल एंड अ चेयर। तो टेबल और चेयर दो चीज़ें हैं, अगर हमें इन्हें एक साथ करके लिखना है तो हम बीच में एंड लगा देंगे। अ बॉय एंड अ गर्ल, अ पेंसिल एंड एन इरेजर, अ बुक एंड अ पेन। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, हमें एंड यूज़ करना है। अ फ्लावर एंड अ लीव, ओके, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए एंड। अ मैन एंड अ वुमेन, ठीक है। द सन एंड द मून, अ बेड एंड अ पिलो, ठीक है, अ बेड एंड अ पिलो। तो दो वर्ड्स को अगर हमें ज्वाइन करना हो, इफ़ यू हैव टू ज्वाइन टू वर्ड्स, सो व्हाट डू वी यूज, वी यूज ए एन डी एंड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज। ओके, नाउ यू हैव टू सिंग अलाउड। ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट, रेड लाइट, व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप राइट अवे। जो रेड लाइट होती है ट्रैफिक लाइट्स में, वो हमें क्या बोलती है? वो हमें रुकने के लिए बोलती है, स्टॉप होने के लिए बोलती है। येलो लाइट व्हाट डू यू से? आई से वेट, वेट टिल द लाइट गोज ग्रीन। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? आई से गो एंड गो राइट अवे। ओके, तो हमें रेड लाइट बोलती है। कभी भी आप रोड पे चल रहे हो तो आप देखें कि रेड लाइट हो गई है, तो इसका मतलब आपको रुकना है। आपको दिख रहा हो येलो लाइट, तो इसका मतलब आपको वेट करना है, बस स्टार्ट करने में थोड़ी ही देर बची है, और ग्रीन लाइट होते ही आप चल सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रैफिक लाइट्स। बच्चों, आपको ट्रैफिक लाइट्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।